जय हिंद मित्रों, मैं डॉक्टर सुशील पटेल जेएन कॉलेज मधुबनी ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज हम आप लोगों को कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न बताने जा रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको 10th के एग्ज़ाम में, 12th के एग्ज़ाम में, एसएससी, इस प्रकार जो गवर्नमेंट का जो रेलवे है, यह सभी एग्जाम के लिए यह ज्योग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। साथ में ही आप अपने मित्रों को भी इसके लिंक को फॉरवर्ड कर सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित कीजिए। देखिए, आप जो है कि हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे फर्स्ट जो प्रश्न जो देख रहे हैं, प्रथम प्रश्न है, चावल की कृषि संबंधित है, जिसमें चार ऑप्शन दिया गया है, रोपण कृषि, ट्रक कृषि, भूमध्यसागरीय कृषि, गहन निर्वहन कृषि। गहन निर्वहन कृषि, तो देखिए इसका आंसर जो होगा वह आपका गहन निर्वहन कृषि होगा, क्योंकि चावल एक खाद्य फसल है और चावल की खेती आप वहीं देखिएगा हाँ, जहाँ जनसंख्या की सघन बसाव वाली क्षेत्र है, जैसे चीन, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, जापान, इस सभी रीजन में जो चावल की खेती की जाती है और चावल जो है गहन निर्वहन कृषि आती है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए कि क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन जो है कि आप देख लीजिए, आपके स्लाइड पे है, निम्नलिखित में से गोदावरी नहर किन राज्यों से होकर गुजरती है, यानी इसके चार ऑप्शन दिया गया है, जो गोदावरी नहर है वह किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो ए में जो है उत्तर प्रदेश, बी में बिहार है, सी में तमिलनाडु है, डी में गुजरात है। तो गोदावरी नहर जो है तमिलनाडु राज्य से होकर गुजरती है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन को देखिए, अगले क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है कि तालाबों द्वारा सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस राज्य में है। तो तालाब के द्वारा सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस राज्य में है, यहाँ चार ऑप्शन दिया गया है, ए में जो है महाराष्ट्र, बी में मध्य प्रदेश, सी में तमिलनाडु, डी में छत्तीसगढ़ है। तो तालाबों द्वारा जो सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र भारत में है वह तमिलनाडु राज्य में है। तमिलनाडु के जो अधिकतर क्षेत्र जो होती है वह तालाबों के जल से सिंचित होती है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए कि अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे लंबी नदी कौन सी है, यानी स्लाइड पे जो नदी दी गई है, जो चार ऑप्शन है, इन चारों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो यहाँ देखिए ब्रह्मपुत्र है, यमुना है, सतलुज है, गोदावरी है। सतलुज को सतलज भी कहते हैं, तो यह गोदावरी है। अब यहाँ देखिए चार में जो देखते हैं सबसे लंबी नदी जो है ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र देखिएगा तीन राज्य देशों से होकर गुजरती है, इसकी उद्गम स्थल जो है चीन के तिब्बती क्षेत्र है। भारत में देखिएगा दिहांग घाटी के पास यह भारत में प्रवेश करती है, और आगे बढ़ते हुए जो है कि यह बांग्लादेश में चली जाती है। तो विश्व मतलब इस स्लाइड पे जो देख रहे हैं वो सबसे लंबी नदी जो कौन है, ब्रह्मपुत्र। लेकिन विश्व की सबसे लंबी नदी अगर पूछे कौन सी है तो उसमें नील नदी होगी। सबसे अधिक कैचमेंट एरिया वाला, यानी सबसे अधिक प्रवाह क्षेत्र वाला जो नदी होगी वह अमेजन नदी होगी, जो ब्राजील में है। तो आपने देखा, तो यानी इसका आंसर जो होगा ब्रह्मपुत्र होगी, यानी ए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, यह जो है फर्म गृह सामान्यतः कहाँ नहीं पाए जाते हैं, यानी जो फर्म गृह जो देखते हैं जो खाद्य फसल के उत्पादन के लिए होती है, फार्म हाउस पर जो प्रोडक्शन की जाती है, तो वह कहाँ नहीं पाई जाती है।
तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो यह भारत जो है जहाँ जीवन निर्वहन कृषि होती है, यानी निर्वहन कृषि होती है, इसके अपेक्षा जो देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ फार्म गृह है, सामान्यतः फार्म हाउस है। तो इसका आंसर जो होगा भारत होगा, यानी इसका आंसर बी हुआ। अब अगला देखिए कि अगला क्वेश्चन जो है कि किसी झील के चारों तरफ बसा गांव किस प्रतिरूप में होता है, यानी चार ऑप्शन दिया गया है, रेखीय प्रतिरूप, तारा प्रतिरूप, नाभिक प्रतिरूप और निहारकीय प्रतिरूप। तो यहाँ जो देख रहे हैं चार प्रतिरूप है और यह पूछा जा रहा है कि झील के चारों तरफ बसी हुई जो क्षेत्र होती है वह किस प्रतिरूप में होती है, तो वह निहारकीय प्रतिरूप में होती है। निहारकीय प्रतिरूप यानी आंसर होगा डी, यानी जिसकी केंद्र में खाली जगह होती है और उसको चारों तरफ जो आदिवासीय क्षेत्र होता है वैसे आदिवासीय क्षेत्र को निहारकीय प्रतिरूप कहते हैं। तो केंद्र में झील हो गई और उसके चारों तरफ आदिवास क्षेत्र है जो निहारकीय प्रतिरूप हो गई, तो आंसर हो गई डी। अब देखिए कि सातवां क्वेश्चन जो है, अगले क्वेश्चन, यानी भिलाई नगर किस वर्ग का है, यानी भिलाई नगर वह किस वर्ग का है। तो ए में ऑप्शन है व्यापारिक नगर, बी में है परिवहन नगर, सी में है औद्योगिक नगर, डी में है खनन नगर। तो देखिए भिलाई नगर जो है औद्योगिक नगर है, तो आंसर जो होगा इसका सी होगा। अब देखिए आठ अगले क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सी बस्ती प्रतिरूप सड़कों या नदियों के किनारे विकसित होती है, यानी सड़क और नदी के किनारे विकसित होने वाली बस्ती को किस प्रतिरूप में कहते हैं। तो ऑप्शन जो चार देख रहे हैं, ए में जो है गोलाकार, बी में जो है क्रॉस प्रतिरूप, सी में जो है वर्गाकार प्रतिरूप, डी में जो है रैखिक प्रतिरूप। तो नदी, सड़क या नहर के किनारे किनारे जो अधिवास विकसित होती है वह रैखिक प्रतिरूप होती है, यानी इसका आंसर होगा डी, रैखिक प्रतिरूप होगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, ग्रेफिट टेलर के अनुसार नगरों की विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, यानी ग्रेफिट टेलर ने नगर के विकास के लिए कितनी अवस्था में विभाजित किया है। तो यहां ऑप्शन चार दिया गया है, ए में पांच, बी में छ, सी में सात और डी में आठ। तो ग्रेफिट टेलर महोदय ने नगरों के विकास की सात अवस्था बताए हैं, यह कितने, तो सात अवस्था बताया गया है ग्रेफिट टेलर के अनुसार। तो इसका आंसर जो होगा सी होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, नदियों के डेल्टाई भाग में कौन सा प्रतिरूप पाया जाता है, यानी नदी वाली जो क्षेत्र होती है उसकी डेल्टाई क्षेत्र और डेल्टाई क्षेत्र में जो अधिवास का विकास होता है वह किस प्रतिरूप में पाया जाता है। तो यह चार ऑप्शन दिया गया है, ए में तारा प्रतिरूप, बी में अरीय प्रतिरूप, सी में चकोर बोर्ड प्रतिरूप और डी में पंखा प्रतिरूप। तो डेल्टाई क्षेत्र में जो बस्ती विकसित होती है उसकी प्रतिरूप जो होती है वह पंखा प्रतिरूप होती है। तो 10 का आंसर क्या होगा, डी होगा। चलिए अगले का आंसर देखिए, कहा जाता है टुंड्रा, टुंड्रा क्षेत्रों में एस्किमो द्वारा बर्फ के टुकड़ों का बनाया अधिवास क्या कहलाता है, यानी टुंड्रा क्षेत्र में जो लोग रहते हैं यानी एस्किमो प्रजाति है उसके द्वारा जो अधिवास बनाई जाती है वह बर्फ का ही अधिवास बनाया जाता है। उस बर्फ से बनी अधिवास को किस नाम से जानते हैं, तो इसमें चार ऑप्शन दिया गया है। देखिए ए में जो है इग्लू, बी में है यूर्ट, सी में क्राल है और डी में इनमें से कोई नहीं। तो बर्फ के टुकड़ों से जो घर बनाई जाती है टुंड्रा क्षेत्र में उसको इग्लू कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। चलिए देखिए 12 नंबर क्वेश्चन जो है, मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है, यानी मेगा सिटी जो होता है उसकी जनसंख्या कितनी होती है। तो चार ऑप्शन दिया गया है, ए में 10 लाख, बी में 50 लाख से अधिक, सी में 50 लाख से कम और डी में 1 लाख।
तो मेगा नगर की जो जनसंख्या होता है वह 50 लाख से अधिक होती है, यानी आंसर होगा बी। अब देखिए कि अगला यानी सात, अब अगले क्वेश्चन देख रहे हैं, अधिवास की लघु इकाई क्या कहलाती है, यानी अधिवास की सबसे न्यून छोटी इकाई जो होती है उसको किस नाम से जानते हैं, तो कस्बा, पल्ली, ग्राम, नगर। तो अधिवास की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसको पल्ली कहा जाता है, तो आंसर होगा बी। कई पल्ली मिलकर जो है एक ग्राम की निर्माण होती है। गांव जब विकसित अवस्था में आती है तो वह कस्बा में, और कस्बा जब विकास की स्थिति में आती है तो नगर में तब्दील होती है, यानी पहले नगर पंचायत उसके बाद नगर। तो अधिवास की जो लघु इकाई होती है वह पल्ली कहलाती है, यानी 13 का आंसर जो होगा आपका बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, ओपेक का संस्थापक सदस्य नहीं है। ओपेक जो देखते हैं पेट्रोलियम रिसोर्स वाली जो क्षेत्र है उसका एक संस्था था, जिस संस्था को ओपेक कहते हैं, तो ओपेक का संस्थापक सदस्य नहीं, कौन नहीं है इनमें से। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, ए में ऑस्ट्रेलिया है, बी में ईरान है, सी में इराक है, डी में सऊदी अरब। तो ओपेक का संस्थापक सदस्य नहीं है ऑस्ट्रेलिया, इराक, ईरान, सऊदी अरब, यह सभी ओपेक का संस्थापक सदस्य है। तो वो इसका 14 का आंसर क्या होगा, ए होगा। अब अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन जो है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वह कहाँ पे है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, ए में जिनेवा, बी में मोंटेवीडियो, सी में ब्रसेल्स, डी में जकार्ता। तो विश्व व्यापार संगठन का यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका जो मुख्यालय है वह जिनेवा में है। अब यानी आंसर होगा क्या, ए। अब देखिए अगले क्वेश्चन को देखिए, 2011 के तहत भारत के किस राज्य की जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है, यानी 2011 में जो भारत के न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाली जो राज्य थी वह कौन सी है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, यानी ए में अरुणाचल, बी उड़ीसा, सी जो है कि बिहार, और डी में बंगाल। तो न्यूनतम जन घनत्व वाला जो राज्य था वह अरुणाचल प्रदेश 2011 के तहत। अब चलिए अगले क्वेश्चन यानी आंसर होगा ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है, यानी कैपिटल सिटी कौन है। तो ए में पटना है, बी में जमशेदपुर है, सी में मथुरा है, और डी में मैसूर है। तो कैपिटल सिटी आप देख रहे हैं जो है वह पटना है, क्योंकि बिहार की राजधानी पटना है। उसके अपेक्षा जो भी और नगर देखते हैं, जमशेदपुर, मथुरा और मैसूर, तो यह सभी अन्य नगर हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी पटना जो है कैपिटल सिटी है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, यानी भारत की जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली जो नगर है वह कौन सा है। तो यहाँ स्लाइड पे देख रहे हैं 4 ऑप्शन है, ए में कोलकाता है, बी में दिल्ली है, सी में मुंबई है, डी में चेन्नई है। तो सबसे बड़ी नगर जो भारत की है वह मुंबई है, तो इसकी आंसर हो जाएगी सी। दूसरा बड़ा नगर जो है कि दिल्ली है, और तीसरा बड़ा जो है कोलकाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है, यानी जहां जल का अभाव होता है तो वहां जो बस्तियां विकसित होती है वह किस प्रकार का होता है। जैसे आप देखते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र में जल का अभाव होता है तो वहां जो बस्ती विकसित होती है वह किस प्रकार की होगी। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, ए में जो है पल्ली, बी में प्रकीर्ण, सी में गुच्छित, और डी में सघन है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी जो जल अभाव वाला जो क्षेत्र होती है वहाँ जो मानवीय अधिवास विकसित होती है वह प्रकीर्ण होती है। तो यानी आंसर हो गया बी।
अब देखिए अगला को, यानी झूमिंग कृषि की जाती है, यानी झूमिंग कृषि जो है, झूम कृषि या झूमिंग कृषि कहा जाता है, वह किस क्षेत्र में किया जाता है? तो आंसर वहां चार दिया जा रहा है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, असम। तो झूमिंग कृषि जो है वह असम की प्रमुख है, जो शेड्यूल ट्राइब रीजन वाले जो देखते हैं, जो कि असम क्षेत्र में है, यानी कि इसका आंसर होगा डी। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है? यानी जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से यह बताना है कि धान का कटोरा किसे कहा जाता है। तो ए में जो देख रहे हैं कृष्णा गोदावरी डेल्टा, बी में देख रहे हैं सिंधु गंगा के मैदान, सी में देख रहे हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र, डी में देख रहे हैं केरल तथा तमिलनाडु क्षेत्र। तो भारत में जो धान के कटोरा जो कहा जाता है वह कृष्णा गोदावरी डेल्टाई क्षेत्र वाले को। अगर किसी राज्य का नाम हो तो वह छत्तीसगढ़ है, धान का कटोरा के तौर पे छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। अगर यह ज्योग्राफिकल रीजन पूछा जाए तो ज्योग्राफिकल रीजन में कृष्णा और गोदावरी डेल्टाई क्षेत्र होगी। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। अब देखिए कि अगला क्वेश्चन, भारत में सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो यहां चार उत्पादन दिया गया है, ऊन उत्पादन, तिलहन उत्पादन, बागवानी कृषि, पर्यटन विकास। तो सुनहरी क्रांति जो है बागवानी कृषि को किया गया है, दर्जा दिया गया है, यानी बागवानी कृषि को भारत में जो है क्या है, सुनहरी क्रांति कहा जाती है, जिसका इसका आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित में से कौन नगदी फसल है, यानी नगदी फसल के तौर पे किसकी पहचान होती है? तो स्लाइड पे दिया गया है, देख रहे हैं ए में चाय है, बी में चावल है, सी में गेहूं है और डी में तिलहन है। तो देखिए कि चावल, गेहूं, तिलहन या खाद्य फसल है, नगदी फसल के तौर पे जो पहचान होती है चाय को। तो इसका आंसर होगा ए। जैसे नगदी फसल के जगह पे चाय, कहवा, कॉफी, रबर, तंबाकू या गन्ना, तो यह सभी जो फसल जो देखते हैं वह नगदी फसल होती है। तो इसमें देख रहे हैं कि चाय है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए, और जैसे चावल, गेहूं, मक्का, यह सभी जो देख रहे हैं वह सभी जो है कि खाद्य फसल है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, 24 नंबर, यानी भारत में चावल के सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह चार ऑप्शन दिया गया है, ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। तो भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है वह वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल है। तो इसका आंसर सी होगा। अब देखिए कि यहाँ पे आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, अगर पूछ दे चावल के सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तो पश्चिम बंगाल, चावल का कटोरा वाला राज्य तो छत्तीसगढ़, अगर वह ज्योग्राफिकल रीजन पूछता है तो कृष्णा गोदावरी डेल्टाई क्षेत्र। तो आपने देखा, तो इसका आंसर क्या होगा? सी। अब देखिए अगले क्वेश्चन जो है कि गेहूं के कृषि के लिए आदर्श तापमान कितनी होनी चाहिए? यानी गेहूं के कृषि जो है, गेहूं जानते हैं कि गेहूं खरीफ फसल है, शीतकालीन फसल है, और इसको जो है कि 10 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान वाली जो ज्योग्राफिकल एरिया होगा वहाँ गेहूं का सबसे अच्छा पैदावार होता है। तो गेहूं के लिए जो आदर्श तापमान होती है वह 10 से 20 डिग्री सेल्सियस होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, रबी की फसल पैदा होता है, रबी की फसल से पैदा होती है, रबी कौन सी फसल के तौर पे आती है? तो जैसे कहता है किस मौसम में, तो शीत ऋतु में रबी, शीतकालीन फसल, वर्षा ऋतु,
ग्रीष्म ऋतु सभी ऋतु में। तो रबी की जो फसल होती है वह भारत में शीतकालीन फसल होती है, तो इसका आंसर होगा ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। देखिए अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में भारत का पहला प्रवास हुआ था, यानी भारत से किस महाद्वीप में प्रथम प्रवास हुआ। तो ऑप्शन दिया गया है अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप। तो भारत से जो प्रथम प्रवास हुआ है वह अफ्रीका के तरफ हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा ए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है, यानी भारत में प्रवासी जनसंख्या वाला सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो ए में मुंबई, बी में चेन्नई, सी में दिल्ली और डी में कोलकाता। तो देखिए भारत में सबसे अधिक प्रवासी जनसंख्या वाला जो नगर है वह मुंबई है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, सर्वाधिक प्रवास हुआ है, सर्वाधिक प्रवास कहाँ पे हुआ है, किस ज्योग्राफिकल जो कोई रीजन जो देख रहे हैं वह कहाँ सर्वाधिक प्रवास हुआ है। तो ए ऑप्शन में मेघालय, बी में हरियाणा, सी में जो है जम्मू कश्मीर है, डी में ऊपरी गंगा का मैदान। तो सर्वाधिक प्रवास जो हुआ है ऊपरी गंगा के मैदानी क्षेत्र में, इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन जो है, 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर है, यानी 2011 में भारत की साक्षरता दर कितनी थी। तो देखिए ए में जो है 52.23, बी में जो है 67.20, सी में जो है 58.62, डी में जो है 73.00। तो 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर जो थी वह 73% थी। अब देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, यानी देख रहे हैं कि भारत का जो मानवीय विकास सूचकांक जो है ह्यूमन इंडेक्स है उसमें भारत का कौन सा स्थान है। तो ए में 126 है, बी में 139 है, सी में जो है 111 है, डी में जो है 132 है। तो भारत की वर्तमान में जो ह्यूमन इंडेक्स में जो स्थान है वह 132वां स्थान है, यानी 2021 के तहत भारत का ह्यूमन इंडेक्स में जो है कि 132 रैंक है, जबकि नंबर वन रैंक पे जो है नॉर्वे है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फसल नगदी फसल नहीं है। अब देखिए नगदी फसल कौन सा नहीं है, तो चाय है, कॉफी है, धान है, रबर है। तो धान या चावल कहिए, धान या चावल जो है वह आपका खाद्य फसल है, बाद बाकी चाय, कॉफी, रबर या नगदी फसल है। तो आपको पूछा गया है कि नगदी फसल कौन नहीं है, तो नगदी फसल धान नहीं है, तो यानी इसका आंसर क्या होगा सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्न में से कौन सा फसल पेय फसल है, यानी पेय फसल के तौर पे किस फसल की पहचान होती है। तो ए में गन्ना, बी में गेहूं, सी में कॉफी और डी में चावल। तो कॉफी जो है पेय फसल है, कॉफी चाय की पहचान जो होती है पेय फसल के तौर पे, तो यानी इसका आंसर होगा सी, कॉफी जो है क्या है पेय फसल है। चलिए अगला देखिए, चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है, यानी चॉकलेट जो होते हैं उसमें कौन सी पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो ए में कहवा, बी में कोको, सी में गन्ना, डी में चुकंदर। तो चॉकलेट में जो होता है वह कोको,
कोको का उपयोग किया जाता है, यानी आंसर जो होगा वह बी होगा। अब देखिए 35 नंबर क्वेश्चन देख रहा है, भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, यानी गेहूं के उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है वह कौन सा है। ए में मध्य प्रदेश, बी में पंजाब, सी में हरियाणा और डी में उत्तर प्रदेश है। तो गेहूं के उत्पादन में अग्रणी जो भूमिका उत्पादा करने वाला जो राज्य है वह उत्तर प्रदेश है, यानी इसका आंसर जो होगा वह डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जूट उत्पादक क्षेत्र है, यानी जूट उत्पादक क्षेत्र के तौर पे किसकी पहचान की जाती है। तो ए में जो है कृष्णा डेल्टा क्षेत्र, वी में नर्मदा डेल्टा क्षेत्र, सी में गंगा डेल्टा क्षेत्र है, डी में कावेरी डेल्टा क्षेत्र है। तो आप इसका आंसर जो देख रहे हैं वह सी होगा, यानी गंगा डेल्टाई क्षेत्र जो है वह जूट के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है, जो भारत और बांग्लादेश के पास है या गंगा डेल्टाई क्षेत्र में। तो आंसर सी होगा, यानी जूट उत्पादन में बांग्लादेश जो का स्थान प्रथम है, भारत का स्थान दूसरा है। जूट से निर्मित वस्तुओं के उत्पादन में भारत प्रथम है, बांग्लादेश दूसरा है। तो इसका देखिए गंगा डेल्टाई क्षेत्र जो होगा वह जूट उत्पादन में प्रथम क्षेत्र होगा, जो ज्योग्राफिकल रीजन देखे यानी सी। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक अवस्थापना का एक कारण नहीं है, यानी औद्योगिक अवस्थापना के लिए कौन सी कारण नहीं है वह। तो ए में कहता है बाजार, बी में कहता है जनसंख्या घनत्व, सी में कहता है पूंजी और डी में जो ऊर्जा। तो इसका आंसर होगा बी, यानी जनसंख्या घनत्व जो है औद्योगिक स्थापना के लिए कोई जरूरी नहीं है। बाजार तो होना ही चाहिए, पूंजी के बिना तो उद्योग की स्थापना कर नहीं सकते और उद्योग में ऊर्जा की बृहद पैमाने पर जरूरत होती है, इसलिए बाजार, पूंजी और ऊर्जा औद्योगिक अवस्थापना का महत्वपूर्ण अंग है, जबकि जनसंख्या बहुत महत्वपूर्ण पहलू नहीं है, इसलिए इसकी आंसर हो जाएगी वी। अब देखिए मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ है, तो सिक्किम में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है। तो मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है, यानी इसका आंसर होगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, भारत में पहली आधुनिक सूती मिल स्थापना कहाँ किया गया, यानी भारत में प्रथम आधुनिक सूती मिल की स्थापना कहाँ हुई है। तो ए में मुंबई, बी में सूरत, सी में कोयम्बटूर, डी में अहमदाबाद। तो भारत में आधुनिक सूती मिल की स्थापना जो किया गया है वह मुंबई में, यानी इसका आंसर होगा ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है, यानी जो देखते हैं तमिलनाडु या साउथ भारत का मैनचेस्टर भी कह सकते हैं, किसको कहते हैं। तो यह चार ऑप्शन है, कोयम्बटूर, सलेम, चेन्नई, मदुरई। तो कोयम्बटूर जो है तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है, यानी आंसर होगा ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है। तो देखिए यहाँ क्या है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। तो विजयनगर इस्पात केंद्र जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। विजयनगर जो इस्पात केंद्र है वह कहाँ, कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर होगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, इनमें से कहाँ लौह इस्पात केंद्र स्थापित नहीं है, यानी यह चार ऑप्शन दिया गया है जिसमें से तीन में जो लौह इस्पात केंद्र होगी एक में नहीं है।
तो प्रथम देखते हैं भिलाई, राउरकेला, जमशेदपुर, मुर्शिदाबाद। तो भिलाई, राउरकेला और जमशेदपुर में लोह इस्पात उद्योग स्थापित है, नहीं कहाँ पे है तो मुर्शिदाबाद। तो इसका आंसर क्या होगा, डी, यानी लोह इस्पात स्थापित नहीं है तो मुर्शिदाबाद में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है। मोहाली जो है सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क जो स्थित है, तो चार ऑप्शन, ए में चंडीगढ़, बी में असम, सी में झारखंड और डी में हिमाचल प्रदेश। तो मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क जो है वह आपको चंडीगढ़ में स्थित है, यानी इसका आंसर होगा ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, यानी कृषि आधारित उद्योग कौन सा नहीं है। तो ए में सीमेंट उद्योग है, बी में जूट उद्योग है, सी में चीनी और डी में सूती वस्त्र उद्योग। तो आप सीमेंट उद्योग देखते हैं वह खनन उद्योग है, यानी सी इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, यानी सीमेंट उद्योग जो है कृषि आधारित उद्योग नहीं है, तो इसका आंसर ए हो गया। जूट, चीनी और सूती यह सभी कृषि आधारित उद्योग है, यानी जूट को, चीनी को और सूती को, वस्त्र को कच्चा माल जो मिलती है वह कृषि से मिलती है, इसलिए यह कृषि आधारित उद्योग कहलाती है। जबकि सीमेंट को जो है खनन से प्राप्त होती है, तो सीमेंट जो है कि आपको खनन उद्योग है। चलिए अब अगला देखिए, पर्यावरण ह्रास होता है, यानी पर्यावरण की ह्रास कैसे होती है। तो यह क्वेश्चन है, ए में जो है प्राकृतिक प्रकोप से, बी में प्राकृतिक आपदा से, सी में पर्यावरण आघात से, डी में इनमें से सभी। तो पर्यावरण की ह्रास जो होती है यह तीनों से होती है, प्राकृतिक प्रकोप से भी, प्राकृतिक आपदा से भी, पर्यावरण आघात से भी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, औद्योग से कौन सा प्रदूषण होता है, अगर उद्योग धंधा की स्थापना करते हैं तो कौन सी प्रदूषण होती है। ए में दिया गया है जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इनमें से सभी। तो औद्योग की स्थापना से जल, वायु, ध्वनि तीनों पॉल्यूटेड होती है, इसलिए इसका आंसर जो होगा डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है, यानी सर्वाधिक बीमारियां जो होती है वह किस प्रदूषण से होती है। तो ए में जो लिखा गया वायु प्रदूषण, बी में भूमि प्रदूषण, सी में जल प्रदूषण, डी में ध्वनि प्रदूषण। तो सर्वाधिक बीमारियां जो होती है वह जल प्रदूषण से होती है, यानी वाटर पॉल्यूशन से सर्वाधिक बीमारियां होती है, इसकी आंसर जो होगी वह सी होगी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन है, मृदा अपरदन का मुख्य कारण है वन विनाश, खनन, पशु चारण, इनमें से सभी। तो मृदा अपरदन का कारण वन विनाश का भी है, यानी वन जो होता है कि वन का जो पेड़ पौधा होता है उसका जड़ जो होता है मिट्टी को पकड़ के रखता है, खनन भी जो होती है जब करते हैं तो मिट्टी ढीला हो जाता है जिसके कारण मिट्टी का अपरदन होती है, पशु चारण से भी जब बृहत क्षेत्र में, जब बृहत स्तर पे जब पशु जो होता है घास को चर जाती है तो वहां भी मृदा का अपरदन होती है, इसके कारण इसका आंसर जो होगा डी होगा, यानी वन विनाश के कारण भी, खनन के कारण और पशु चारण के भी कारण। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है, यानी सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। तो गंगा नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी नदी। तो सबसे प्रदूषित यानी पॉल्यूटेड नदी जो है कि यमुना नदी है, इसका आंसर होगा बी।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्वनि के माप की इकाई क्या कहलाती है? ध्वनि जो है, जो अभी बोल रहे हैं तो जो साउंड निकल रही है, इसको जो मापा जाता है, चाहे किसी भी चीज से अगर साउंड निकलती है तो उस साउंड को, यानी जो हुआ उसको मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं, वह किस इकाई में मापी जाती है, यानी उसकी इकाई कौन सी इकाई में मापी जाती है? तो ए में जो है डेसिबल, बी में जो जूल, सी में जो है मीटर, डी में प्रतिशत है। तो ध्वनि की जो इकाई, माप की जो इकाई होती है, वह डेसिबल में होती है, यानी इसकी आंसर ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एशिया का विशाल सबसे गंदी बस्ती धारावी अवस्थित है, यानी एशिया में जो एक धारावी बस्ती है वह सबसे गंदी बस्ती है, यानी स्लम एरिया है, वह कहाँ अवस्थित है? तो ऑप्शन है कोलकाता, बीजिंग, मुंबई, टोक्यो। यह चारों शहर जो देख रहे हैं एशिया की ही हैं, जिसमें कोलकाता और मुंबई भारत की शहर है, बीजिंग जो है चाइना की शहर है, टोक्यो जो है चीन की शहर है, सॉरी टोक्यो जो है जापान की शहर है, बीजिंग जो हुआ चीन की है, टोक्यो जापान की है। अब देखिए कि यहां जो है कि पूछा गया कि धारावी जो है, जो स्लम एरिया है, वह किस शहर में अवस्थित है? तो धारावी जो है एशिया का सबसे लार्जेस्ट वृहत जो है कि स्लम एरिया है, जो कि मुंबई में स्थित है। यानी इससे का क्या अर्थ हुआ कि एशिया में जो मुंबई है, मुंबई यानी भारत के जो एक शहर मुंबई है, वहां पे धारावी एक जगह है जिसमें जो देखते हैं कि वह एशिया का सबसे बड़ी स्लम एरिया है, जिस पे आप देखते हैं कि एक फिल्म भी बन चुकी है स्लमे डॉग, तो जो उसको देखिएगा वह धारावी क्षेत्र की ही है। तो इसकी आंसर, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी धारावी जो है कि मुंबई में है और जो एशिया के सबसे बड़ी जो स्लम एरिया है, तो आंसर सी हो गई। अब देखिए मित्रों, अब मेरे वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस पे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, जहां भी आपको कुछ इसमें टूटी नजर आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम अगले वीडियो में प्रयास करेंगे कि उस कमी को दूर कर सके आप लोगों के लिए।